आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रही हैं, दानियल खान ऑफिशियल। तो पहले तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दिया करें। सो आज मेरा 13वां व्लॉग है और ये मैं सिर्फ कंसिस्टेंसी से बना रहा हूँ, रेगुलर बना रहा हूँ। जो मुझे अभी तो इम्तहान बाकी हैं, अभी तो मज़ीद आगे करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने जो ना करम फरमाया। तो बाकी जो है मेरी जो दिन की रूटीन होती है वो ऐसे सिंपल है, और लिमिटेड रिसोर्स में मैं फिर भी आपके लिए बना रहा हूँ, ताकि जो है इंसान जो परेशानियों में है, घिरे हुए हैं, ये कोई उनको मुश्किलात हैं, तो वो ये देखकर थोड़ी देर के लिए वो सब भूल जाएँ। तो इस वजह से मेरे व्लॉग्स बनाने का मकसद है कि वो ये ना समझे, क्योंकि मोस्टली व्लॉग्स जो हमारे लोगों ने बना रखे हैं वो सारे ऐसे बने हो अपर क्लास के लोग देख सकते हैं। वो अगर कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या मतलब एक गरीब बंदा देख लेना, तो वो वैसे भी सांस कमतरी का शिकार हो जाएगा और वो नहीं आगे काम कर सकेगा, वो परेशान हो जाएगा देखकर कि यार इतनी गाड़ियाँ ये। तो हमने जो है ना मिडिल क्लास के लोगों के लिए ये इसलिए बनाता हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद भी मिडिल क्लास बंदा हूँ। तो हमने इसे महदूद रिसोर्स में कि जो भी अगर व्लॉग बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पर काम करना चाहता है तो आए, लेकिन वो एक काम करे ज़रूर, वो कंसिस्टेंसी रखे अपने, रेगुलर रहे। किसी चीज़ ये ना सोचे कि मेरे पास ये नहीं है तो और मैं, अब मेरे पास ट्राई पॉड नहीं है बिल्कुल भी, ना स्टिक वगैरह, अब सस्ती हैं वो भी अब मिल जाती हैं, लेकिन मैं अभी मैंने स्टार्ट भी इसी से की है, हाथ से पकड़ लिया ना। मेरे पास अभी ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि मैं उसे भी कर लूँ, एक काइन मास्टर किया हुआ उसी से किया और आराम से वो कर लिया। तो यही चीज़ें होती हैं, तो रेगुलर रहो, डालते रहो, अच्छे बुरे जैसे भी आपको आते हैं करो। अब तो माशाल्लाह व्यूज़ भी मेरे बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से, अल्हम्दुलिल्लाह उसे रब कायनात का करम है, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं और अच्छा जा रहा है उस हिसाब से। क्योंकि मैं यूट्यूब पर तो मोस्टली सब होते हैं, लेकिन चैनल का जो काम है वो अभी से मेरा स्टार्ट हुआ है। यूट्यूब पर तो मैं काफ़ी अर्से से हूँ, तो लेकिन काम अभी से स्टार्ट हुआ है। तो अभी चलते हैं दूसरी रूटीन पर, तो जैसे अगर मैं सब्ज़ी लेने जाऊँगा तो वह आपको दिखाऊँगा मैं, तो फिर चलते हैं सब्ज़ी लेने, वो सब्ज़ी वगैरह लेने, करेले लेने जाना है। मैं कहता हूँ चलते हैं, चलो ओह चलते हैं, मेरे साथ चला करो, पूरे दिन की रूटीन देख लिया करो। तो सोने के टाइम तो आपने मुझे देखे थे, सोता भी बड़ा गंदे तरीके से, कभी उल्टा सो गया, कभी साइड से ऐसे, बिल्कुल जो है ना। चलो चलते हैं, अब लड़ाई होगी यहाँ पर, ये देख लें आप थोड़ा सा, ये माशाल्लाह यहाँ पर ये हुई है सियासत पे, तो इसी वजह से सियासत पे बहस भी ना करें कभी भी। ये देखें, ये अब एक दूसरे को जानते हैं हर चीज़। ये करेले आधा किलो चाहिए बस, तो आने दो ना यार, ये आने छोटे नहीं है, ये कर देना हो जो ना बोलूंगा। चलो ठीक, चलो ठीक, ये दे रहे। ये क्या क्या है, कितने? 40 रुपए। 40 रुपए होते हैं। अभी भी लड़ाई हो रही है, अभी भी लड़ाई हो रही है। तो अभी देखता हूँ, बस जाता हूँ फिर। ये दे दे यार सब्जी, टमाटर भी ले लो, धनिया भी डाल दे। हाँ नहीं, सियासत में वैसे भी बहस नहीं होनी चाहिए, वाकई सही बात है, बहस नहीं करनी चाहिए, ये बल्कि लड़ाई पैदा होती है मज़ीद। तो मैं सब्ज़ी लेकर ना घर चलता हूँ, यहाँ तो बात बढ़ जाएगी, बढ़ रही है। लेकर अब आ गया हूँ ये करेले, देखो करेले अब कट रहे हैं इसका, ये आज पकाएंगे, बड़े मज़ेदार बनाते हैं करेले। कड़वे ना हो बस, यही मुझे नहीं पसंद, कड़वे हों तो फिर नहीं अच्छे लगते, कड़वे ना हो तो फिर बड़े मज़ेदार लगते हैं। आ गया हूँ, दही भी ले, लस्सी बनेगी अभी। तो रास्ते में तो आपने देख लिया, सियासत की जंग जारी थी अब, लेकिन आपको अपने ये दिखाता हूँ पौधे, ये देखें सदा भाई, ये अब निकल रहा है रेड, बड़े प्यारे हैं। और ये देखें सदा भाई मेरी, ये पौधे कर लो ना, फिर ये करते हैं, फिर आगे भी देखते हैं, अभी तो लाइट नहीं आई, फिर देखते हैं। ये रात के टाइम मैंने दूध नहीं पिया था ना, स्टमक प्रॉब्लम थी, तो अब ये बना हुआ था तो फ्रीज़र में पड़ा था, तो अब दिल किया तो ये देखें।
मज़ेदार है। आए आए टेस्टी टेस्टी। मैं खा रहा हूँ, जब तक मैं खा लूँ फिर आपको बताता हूँ। पहले मैं देखो ये ठहर। बचपन में भी ऐसे करते थे अक्सर, दूध रख दिया सुबह जो है ना उसको खाते थे दूध को, जो मेरे को कहते थे आइसक्रीम आइसक्रीम दूध वाली, तो वो भी मज़ा आता। इसने खानी है ये, मेरे भी काम बच्चों वाले हैं सारे। चलो ये खा लूँ मैं। तो अब करेले हो रहे हैं फ्राई, ये देखें व्यूवर्स को दिखाना होता है ना भाई, अब देखें ये हो रहे हैं। ये देखें, ये देखें, जबरदस्त जबरदस्त। अब इसमें और क्या डालेंगे इसके बाद, इसको फ्राई अच्छे करके फिर इसमें प्याज डालेंगे, फिर उसके बाद टमाटर, नमक, मिर्च, धनिया। जबरदस्त जबरदस्त। ये ख्याल कीजिए कड़वे ना हो जरा सभी, मज़ेदार बड़े बनते हैं ये, जब मेरी मम्मी के अम्मी जी के हाथ के बने ना टेस्टी होते हैं बहुत। गाइस ये देखें अरे कितने फ्राई हो गए हैं। अब इसमें जो है ना प्याज और टमाटर वगैरह जो है डालेंगे, मसाला जात वगैरह, नमक मिर्च, जो जो चीज़ें हैं। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, कड़वाहट वाली आ भी नहीं रही, अब ख़त्म हो गई है कड़वाहट वाली खुशबू, नहीं आ रही अब इसमें ऐसी ज़बरदस्त। मेरी माँ के हाथ के टमाटर प्याज मिर्च डाल दी है, हम इसमें नमक मिर्च डाल रहे हैं। ये देखो फ्राई बड़े मज़ेदार हो रहे हैं ना, ये देख वाओ बड़ा प्यारे लग रहे। जब ये रोटी के साथ लगे हैं तो बड़ा ही मज़ा आएगा, साथ लस्सी होगी, ओए हो एपिक बनेगा एपिक। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, देखें कितना ज़बरदस्त बनता है, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। तो ये बनते हैं तो फिर आपको बताऊंगा आगे। खांसी भी साथ साथ हो रही है ना। कंधे दिए तो फिर देखते हैं जब ये पक्की तय तब भी आपको दिखाऊंगा जो हो जाए। तो पानी भरने जाऊँगा फिर चलते हैं, वहाँ भी आपको दिखाता हूँ। रोटी पक्की आ गई है, ये देखें करेले हैं और साथ देसी घी है। तो अब खा रहा हूँ मैं, मैंने व्यूअर्स को दिखा दूँ कि मुंह में पानी आ जाता है ना अक्सर। लाजवाब देसी घी ने ना करेले के साथ इतना अच्छा जायका दिया, आम तो उससे लगता है दिल गार्डन गार्डन हो गया। लाजवाब स्टैग। चलो मैं खा लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। खाली अब थोड़ा सा आराम करूँगा, रेस्ट करूँगा, क्योंकि उसके दौरान भी काम होते हैं ना यहाँ अमेज़ोन वगैरह के, तो वो किए थे, फिर ना खाना खाया, फिर उसके बाद उठते हैं फिर चलते हैं किसी, आज बाहर भी जाएंगे, या वो कदीर बुला रहा था काम अमेज़ोन के सिलसिले में, तो उसको भी थोड़ा सा और गाइडेंस दूँगा, तो वो करेंगे फिर देखते हैं। तो आप भी आराम कर लीजिएगा, क्योंकि आराम थोड़ा सा कर लेना चाहिए, इस तबीयत थोड़ी सी हशाश बिशाश हो जाती है।
मैं ना सोने ही वाला था, जैसे आप गए मैं सो रहा हूँ, तो अभी ऐसे आंखें बंद की तो फिर से मुझे याद है मैंने अपने वो YouTube की वीडियोस पे ना व्यूज़ देख लूँ भाई कितने आ रहे हैं, तो वो आ गया। लेकिन यही मैं आपको बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी रखो, रेगुलरिटी रखे ना, तो इंशाल्लाह जो है ना जो भी न्यू होंगे ना अपने यूट्यूबर्स वो तो सब काम है। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे, रेगुलरिटी नहीं रखोगे कि कभी डाल दी कभी वीडियो कभी ना डाली, तब आपको प्रॉब्लम होगी। तो रोज़ डालें, जैसे भी आपकी लाइफ जैसे भी है, अच्छी है या मिडल है या नहीं इतनी अच्छी चल, तब भी आपको बाद में इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। ये तो है अपने आप पर ही ना कि बाद में क्या होता है, अगर आप रियल रहोगे तो सब कुछ सही होगा। अभी ठीक है, थोड़ी देर पहले उठा हूँ, फिर अब कुछ काम थोड़े थे किए। अब इसकी खुराक का टाइम हो गया बकरे की, तो आप देखें ये, देखें ये इसको मैं दे रहा हूँ, ये तो इसको खुराक खिला रहा हूँ, ये इसकी भी केयर करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ किया करें इसके लिए भी। तो उसके बाद फिर चलते हैं मेरे दोस्त के पास, फिर आपसे बात करता हूँ। बाबा क्या कर रहे हैं आप? बेटा अंडे थे आपका, अंडे अंडे मिर्चे और भुजिया बना रहा हूँ, उसमें सब्ज मिर्चें धनिया अच्छा और साथ प्याज का इस्तेमाल। अच्छा अच्छा, ये मैं तुम्हारी जो दादी थी मेरी वालदा वो मुझे सब कब सिखा गई है खाना पकाना। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह सही है। तो वैसे मोस्टली तो आप अपनी बनाते ना? नहीं बनाते रह जाता हूँ, क्यों नहीं काम करते रह जाता हूँ। जी जी चलो, दूध बनाना शुरू से, दूध ही मैं दूध आप बनाते हैं, चाय भी बना देते हैं। थैंक यू बाबा, अल्लाह आपको लंबी उम्र का अता करे। वैसे व्लॉग में ये चीज़ें बता दिया करें। ये प्याज ये ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये काट इस तरह काट रहे हैं, वाह। अब ये धनिया डाल रहे हैं इसमें, दो अंडे डालेंगे जो है ना बना रहे हैं, अंडा वगैरह वो बनाएंगे, फिर वो रोटी शोटी खाएंगे हम अगेन, फिर बाहर थोड़ा सा चलते हैं घूमते हैं फिरते हैं वो। अच्छा तवे पे बनाएंगे ना, ठीक है। ये देखें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद ही कर लेते हैं ये कहाँ शाम है। इसमें मेल और फीमेल की जो है ना वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद काम करते थे ना अपने। अब उनकी इतनी माशाल्लाह वाइफ थी, लेकिन वो कपड़े भी खुद धोते थे, उनको बकरियां भी खुद वो धोते थे, और उसके अलावा अपने पैवंद भी वो खुद करते थे कपड़े। तो ये कोई बात नहीं है कि मर्द करे औरत, बल्कि औरत को सहूलत देना चाहिए। मर्द वही अच्छा जो औरत को सहूलत दे, और अल्लाह ताला उससे राज़ी भी हो जाता है, फिर औरत भी सहूलत देती है जब मर्द देता है, जब मर्द नहीं देता तब वो तंग होती हैं। तो इसलिए हमेशा जो है ना घर के माहौल को अच्छा रखें और हमेशा खुश रहें एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये ज़िंदगी का तो पता ही नहीं होता इंसान को, इसलिए इंसान जो है ना एक दूसरे के साथ हमदर्द रहे, एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ वो जो है ना रिलेशन को वो रियल रखे, मुनाफ़काना अमल ना रखे। ये देखते हैं क्या सीन है गली का, गली तो वैसे आजकल सुनसान हमारी हो रही है। तो ये देखिए कार, मैंने अभी ये कार देखी है ना, तो मेरे दिल से अल्लाह से यही दुआ निकली कि या अल्लाह मुझे भी इतना, आप भी दुआ किया करो कि इस तरह की कार हो, मेरा दिल करता है इस तरह की कार हो, इंशाल्लाह होगी एक दिन देखना, बस आप सबकी दुआ चाहिए। माशाल्लाह कितनी प्यारी है, दिल तो करता है, अल्लाह आप सबको भी दो जिनकी गाड़ियाँ नहीं हैं, चलो एटलीस्ट सुकून तो दे। तो ये गली का माहौल है हमारा, ये देख इंसान बची हुई है सब। मैं फिर देखता हूँ गाड़ी देख के, तो मैं मुझे अच्छी लग रही है बड़ी, कुछ नहीं अल्लाह दे देगा आहिस्ता आहिस्ता, सब चीज़ें एकदम नहीं मिलती, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। यार आपके साथ अब स्पेंड टाइम जो होता है ना वो अच्छा होता है बहुत। फिर चलते हैं, खुशबू ना यहाँ तक आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, वो माशाल्लाह माशाल्लाह।
अब जो है ना हम रोटी इसके साथ खाएंगे, मज़ा आ जाएगा आज। खाते हैं लनी वाला जो है ना, खाते हैं देखते हैं। मज़ेदार लग रहे हैं, बाकी टेस्टी हैं, बस मज़ेदार। बड़ा मज़ा आ गया, मैं खाता हूँ और अपने भी खाने तो आ जाए। प्याज आते हैं ना मुँह में, मिर्च, बहुत ही मज़ा आता है। तो तुम खा लूँ आराम से, खाना तो हो गया, खाना हमने खा लिया। लेकिन ऊपर से लाइट ने तंग किया बहुत ज़्यादा, बिजली है नहीं, या वो हुकूमत करोना रोते थे ये तो फिर अब आए हैं तो माशाल्लाह इन्होंने भी लाइट गायब कर दी है ना, इतनी महंगाई हो गई ऊपर से ये बिजली के। ओए इतनी गर्मी है, दो दफ़ा जनरेटर चलाया और बस हो गई है भाई, ऊपर से गैस इतनी, फिर वो खींचता है ना तो फिर उसके भी बिल का मसला होता है, इतना नहीं हो सकता। बहुत गर्मी है यार आज, दूध जो है कम था तो अब दूध लेने जा रहा हूँ, तो दूध लेकर आता हूँ। हाँ ये देखें आप भाई, तो यही यहाँ के भाई हमारा जो है ना थोड़ा सा फन हो जाता है, लेकर आ गया हूँ। ये देखें अबू जान, ये ले, ये दूध ले आऊँ खालिस गाय का, अपने सामने जो है ना मैंने कहा दूध, सो दूध भी आ गया। सो अब मैं करता हूँ व्लॉग का एंड, एक दो काम जो करने हैं वो करने हैं अब शाम के टाइम, वो करूँगा। सो आज का यही पैगाम है कि हमेशा का जो है ना आप रेगुलर रहो, वीडियोस वगैरह कुछ भी बनाते हो या कोई भी आपका काम है, कंसिस्टेंसी दिखाओ अपनी, तो ये सब कुछ जो है ना ऐसा ऐसा सब कुछ बेहतर हो जाएगा। छोटे से स्टार्ट करो, करो लाजमी। मैं भी पहले यही सोचता था भाई कैसे करूँ, कोई चीज़ भी नहीं है ना, मेरे पास वो ट्राईपॉड है ना, मेरे पास अच्छे कैमरे हैं ना, मेरे पास माइक है, तो मैं कैसे, तो अब कर लिए और व्यूज़ भी आ रहे हैं। आप भी ऐसे कोशिश करो, अपने हाथ से पकड़े मोबाइल और स्टार्ट कर दो अल्लाह के नाम लेकर, इंशाल्लाह। जब पूरी दुनिया कमा रही है, इंडियन कमा रहे हैं और दूसरे कंट्रीज़ की कमा रहे, तो हम क्यों नहीं कमा सकते भाई, क्यों नहीं कमा सकते, हम कमा सकते हैं। यूट्यूब से हमारी भी अर्निंग आ सकती है, तो ऐसा ऐसा आप भी कोशिश करें, इंशाल्लाह ये सब हो जाएगा। तो सब दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह सब कामयाब हो। तो आज का व्लॉग एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़, अपनी सेहत का ख्याल रखें, आमीन।